मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 48 घंटों तक यूपी में लोगों को उमस भरी गर्मी का कहर झेलना होगा। हालांकि इस दौरान आसपास में छिटपुट बादलों की आवाजाही भी देखी जा सकती है, लेकिन इन छिटपुट बादलों से बारिश की संभावना कम है। हालांकि पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। शनिवार की सुबह के साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में धूप खिली हुई दिखी। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में कम दबाव का क्षेत्र सामान से दक्षिण की ओर खिसक गया है, जिससे यूपी ग्रीन जोन में आ गया है। उम्मीद है कि 2 सितंबर के बाद फिर से यूपी में मानसून का वेदर सिस्टम एक्टिव होगा और फिर पूर्वी यूपी के साथ पश्चिम यूपी के कई हिस्सों में बारिश होगी, जिससे तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा। यूपी में मानसून कमजोर पड़ गया है, फिर भी नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बलिया समेत कई जिलों में गंगा की लहरें और उनका बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। वाराणसी के सभी 84 घाट दोबारा से लगभग जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।